हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, ये देखिए टॉवल है हमारे पास में, और टॉवल लेके कहीं हम स्विमिंग पूल में नहाने नहीं जा रहे हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया एक हैक बताने वाले हैं कार के लिए। अगर आपके कार में भी एक टॉवल है और उन चीज़ों से परेशान है, तो आप इसका बहुत ही उपयोग कर सकते हैं। पहले नंबर में तो बेसिक सा जो उपयोग होता है टॉवल का, उससे तो आप अपनी गाड़ी को चमका सकते हैं, अंदर बाहर पोंछ सकते हैं। दूसरा जो मेन आज का हमारा टॉपिक है, उस पर हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि आप जब बारिश में कार अपनी चलाते हैं और फिर एसी आपको यूज़ करनी पड़ती है, अगर बारिश में शीशे खोलेंगे तो आपका मतलब पानी अंदर आएगा, और अगर आप शीशे बंद करेंगे तो हुंडई की कार्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर फॉग जमने लगती है बाहर साइड से, अंदर से फॉग नहीं जमती है, वो बाहर से फॉग जमती है। यहाँ पर पूरी फॉग हो जाती है बारिश में जब कभी भी गाड़ी चलाते हैं, फिर बहुत दिक्कत आती है। एक बार आपने वाइपर चलाया, अगर एसी आपकी ऑन है, आप यानी बाहर की हवा अंदर लाएं या अंदर की हवा अंदर रखें, तब भी वो फॉग जमने लगता है, उससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर नहीं समझ में आता क्या करें, तो फिर मजबूरन आपको हीटर चलाना पड़ता है, कुछ भी कर लेते हैं। हुंडई की गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम ऐसी आती ही आती है कि वो कुछ भी करने पे वो भाप नहीं जाती है अगर बारिश हो रही है। मजबूरन फिर आपको एसी बंद करके शीशा खोलना पड़ता है, ऐसे बस चलानी पड़ती है गाड़ी। तो आज उसका हम बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन लेके आए हैं। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है और अंदर एसी चलाते हैं, तब भी वो भाप जम जाती है, बारिश अगर नहीं भी हो रही है तब भी वो प्रॉब्लम आती है। फिर अगर आप रात रात में कहीं चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके लिए ही आज हम टॉवल का सही उपयोग बताएंगे कि एक टॉवल से या एक कोई मोटे कपड़े से आप किस तरीके से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये मेरे पास टॉवल है माइक्रोफाइबर की, और काफ़ी लंबी है, बाथिंग टॉवल है, और ये घर पे ऐसे पड़ी रहती तो कार में मैंने डाल ली थी, और इसका मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत ही फ़ायदा इससे मुझे हुआ है। जो हमारे विंड स्क्रीन पे फॉग जम रही थी, उससे बहुत ही ज़्यादा निजात हमको मिली है। तो ये यूज़ कैसे करनी है वो मैं बताऊँगा। पहले तो कुछ टिप्स आप सभी को बताऊँगा कि किस तरीके से आप अगर बारिश में कार चला रहे हैं। तो मारुति की कार्स मैंने चलाई है, उनमें ज़्यादा ये समस्या नहीं होती है, ज़्यादा तो हुंडई की कार्स में समस्या होती है। क्यों होती है वो भी मैं दिखाता हूँ। पहले अंदर आओ, अंदर से आप सभी को एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस देखिए, ये हमारे कार का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे हमारे क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इससे हम अपने क्लाइमेट जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आपके में भाप कम जम रही है, तो यहाँ पे ये कुछ मोड्स दिए होते हैं जिनके यूज़ से हम अपनी भाप को कम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये एक मोड होता है, इससे क्या होता है एयर सर्कुलेशन जो है, ये अगर यहाँ पे जल रहा है, इस टाइप का साइन जल रहा है, तो आपकी अंदर की हवा जो आपके केबिन की हवा है वो केबिन में घूम घूम के आ रही है, बाहर की हवा नहीं आ रही है। अगर आपके में फॉग जम रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको बंद कर देना है, और बाहर की हवा अंदर आएगी तो उससे थोड़ा ह्यूमिड कंट्रोल रहेगा और भाप हमारी कम जमेगी। दूसरी बात, जब हम फ्रंट का ये डिफॉगर चलाते हैं तो हमारी एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर बारिश में आपका ये एसी ऑन हो रहा है तो समझ लो कि कुछ देर बाद की 100% फॉग जमेगी ही जमेगी। और फ्रंट का जब ये हम चलाते हैं, देखिए ये यहाँ पे मोड मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद में ये फ्रंट का जैसे ही डिफॉगर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला मोड जो है बाहर की हवा अंदर को लेने लगेगा। लेकिन अगर आपकी एसी चल जाएगी और ठंडी हवा इस विंड स्क्रीन पर पड़ जाएगी पूरा, तो आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉग जमने वाला है। इस पर जमता भी होगा गाइस, 100% जमता होगा, क्योंकि मेरे पास दो हुंडई की कार्स थी, उनमें दोनों में ये प्रॉब्लम आती ही थी। अब क्या है, इसको सही करने का तरीका क्या है, मतलब ये इसको पहले बात फॉग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ये टॉवल है, और टेम्परेचर जब कभी भी ऐसा हो, बारिश हो, तो टेम्परेचर को मतलब बिल्कुल लो में ना चलाएं। लगभग जितना आप बैठ सकते हैं केबिन में, जितना हाई टेम्परेचर 23-24 पे आप बैठ सकते हैं, 25 पे बैठ सकते हैं, तो आप उसको 25 पे यूज़ करें। 25 पे यूज़ करेंगे, 24 पे यूज़ करेंगे, तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो फॉग की प्रॉब्लम आती है एसी पे वो नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और इसको बाहर का वेंटिलेशन ही हमेशा इस पे रखें, ठीक है। लेकिन गाइज, ये गाड़ी में मैं ये तो सब कर चुका हूँ, फिर भी आती ही आती है फॉग, क्योंकि गाइज गर्मी में एसी मतलब बारिश में आप विंडो को रोल डाउन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ली है टॉवल, और इसमें ये फॉग जमती क्यों है ये भी मैं बता देना चाहूँगा। जैसे कि देखिए, ये मैं मोड लगा देता हूँ, नीचे पैरों वाला या फेस वाला, ये देखो फेस वाला मोड मैंने इस पर लगा दिया है। ये इसका मतलब ये है कि ये जो हवा है इन वाले वेंट से हवा आएगी, इससे नहीं आएगी। ये जो साइड में यहाँ पे वेंट्स हैं इस पर, इससे नहीं आएगी, इधर साइड में जो है इससे नहीं आएगी, और इससे नहीं आएगी, ठीक है गाइस।
और हमारे नीचे यहाँ पे वेंट्स होते हैं, अगर उस पर हवा चाहिए तो आपको मोड यहाँ से चेंज करना पड़ता है। ये देखो ये पैरों वाला हो गया, तो इससे हवा आएगी और इनसे किसी से हवा नहीं आएगी, ये मतलब होता है इन सब चीज़ों का। और इस वाले वेंट से मतलब नीचे हवा आएगी और आपके ऊपर यहाँ पे हवा आएगी, ठीक है गाइज। तो अब जैसे जैसे गाड़ी आपकी पुरानी होती जाती है, इसमें पार्टीशन होते हैं सब, मतलब यहाँ की हवा वहाँ भेजना, वहाँ की वहाँ, तो बीच में जो पार्टीशन होते हैं उनमें मतलब डस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो जमा हो जाती है, जिससे कि वेंटिलेशन जो है वो इधर मतलब हवा जो है वो इधर उधर थोड़ी बहुत निकलने लगती है। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, अभी ये फेस वाला यहाँ पे हवा का लगाया, एक बार माइक में पास में करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से हवा आ रही है ये वाली, लेकिन साथ साथ यहाँ से भी हवा आ रही है, ये देखो हल्की हल्की हवा यहाँ से भी आ रही है, आपको माइक में आवाज़ साफ साफ लग रही होगी कि हवा यहाँ से भी आ रही है। बस यही दिक्कत है मैन कि हवा वहाँ से भी आ रही है, अगर वहाँ से हवा आएगी तो फॉग 100% जमेगी। तो अब करना क्या है, ये टॉवल ले लेनी है और टॉवल को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये टॉवल है देखो, पूरी बाथिंग टॉवल है, इसको इस तरीके से कुछ हमको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया, और एक बार इसको और ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इसकी चार लेयर बन गई हैं, चार लेयर बनने के बाद में ये देखो ये बन गई पूरी इस तरीके से। अच्छे से इसको फोल्ड करके हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देना। और वाइट की जगह अगर आपके पास ब्लैक कलर की टॉवल हो तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये इस तरीके से इसको पूरा दबा दबा के लगा देना गाइस, ये कुछ इस तरीके से पूरा दबा दबा के हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये क्यों लगाई है, यहाँ पे जो वेंट्स थे वो बंद हो गए हैं, उनसे अब हवा जो है ऊपर नहीं आ पाएगी। हल्की फुल्की जो हवा निकल रही थी वो ऊपर नहीं आ पाएगी। जब हवा ऊपर ठंडी नहीं आएगी तो जो मतलब क्लाइमेट है वो सही रहेगा, और ह्यूमिड के कारण यहाँ पे जो भाप जम रही थी वो जमना बंद हो जाएगी। ब्लैक टॉवल इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ब्लैक टॉवल क्यों ज़रूरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी शेडो आ रही है वाइट टॉवल की, अगर ये ब्लैक होगी तो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी शेडो। तो बस ये है कि यहाँ पे सही सा सोल्यूशन आप सभी के लिए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये लगा देनी टॉवल, टेंशन फ्री होकर आप गाड़ी चला सकते हैं। कितनी भी बारिश में आप एसी यूज़ करेंगे, कुछ भी यहाँ पे विंड स्क्रीन पे भाप नहीं आएगी, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और कोई भी एक्सीडेंट कोई भी हादसा आपके साथ नहीं होगा। तो ये देखो गाइस एक छोटा सा शॉर्ट सा ट्रिक है आप सभी के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ के जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक आसानी से पहुँच